लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे कोरोना से जुड़ी हरियाणा की 20 बड़ी खबरों पर। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 250। हरियाणा में कोरोना के आए 18 नए केस, प्रदेश में अब तक 104 मरीज हुए ठीक, 3 की हो चुकी है मौत। हरियाणा के नूह जिले में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस, नूह में अब तक 57 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने, गुरुग्राम में 36, पलवल में 34, फरीदाबाद में 42 केस। हरियाणा के पंचकुला में 17, अंबाला में 8, सोनीपत में 7, करनाल में 6, पानीपत में 5, सिरसा में 4, हिरसा, कुरुक्षेत्र, भिवानी, कैथल में 2-2 लोग हैं संक्रमित। गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव 9 मरीज हुए ठीक, अब तक कुल 26 मरीज हो चुके हैं ठीक। अब गुरुग्राम में कुल 36 केस कोरोना पॉजिटिव, कुल एक्टिव केस 10 बचे। गुरुग्राम में 96 संदिग्धों के लिए गए सैंपल, 175 लोगों के सैंपल्स की रिपोर्ट का इंतजार। गुरुग्राम में 20 अप्रैल से गुरुग्राम में नहीं मिलेगी कोई भी स्पेशल छूट, गुरुग्राम को रेड जोन किया गया शामिल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने साफ, एसीएस बीएस कुंडू ने दिया बयान। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक गुरुग्राम में नहीं मिलेगी कोई स्पेशल छूट, केवल एसेंशियल सर्विसेज को ही लॉकडाउन में छूट। फरीदाबाद में पॉजिटिव केसों की संख्या हुई 42, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 20, एक्टिव मरीजों की संख्या 22, पिछले 24 घंटे में नहीं आया कोई नया केस। सोनीपत से राहत भरी खबर, कोरोना के 2 पॉजिटिव केस ठीक होकर पहुंचे घर, खानपुर पीजीआई से दोनों को दी गई छुट्टी, गांव बख्तारपुर के साइकिल मिस्त्री और मोहन नगर के एमपीएचडब्ल्यू इलाज के बाद हुए ठीक। शनिवार को ही सोनीपत में कोरोना के 3 मामले आए थे पॉजिटिव, 7 केस, अब कोरोना पॉजिटिव के 7 से घटकर 5 मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ली राहत की सांस। हरियाणा में किसानों के लिए पहले सरसों और अब गेहूं की फसल को सरकारी रेट पर बेचना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। प्रदेश में किसान ना तो सरकारी रेट पर अपनी फसल बेच पाया और ना ही गेहूं की फसल के सरकारी रेट पर बिकने की किसानों को कोई उम्मीद नजर आ रही है। गुरुग्राम की 5 मंडियों और 11 केंद्रों पर गेहूं की खरीद का काम शुरू हो चुका है, 1,950 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी खरीद, मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 6,444 किसानों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। फारुकनगर मंडी, गुड़गांव मंडी, हेली मंडी, खोड़ मंडी और सोहना मंडी में हुआ गेहूं खरीद शुरू होने का फैसला, पटौदी में 5 खरीद केंद्र, फारुकनगर में 5 और सोहना में 1 खरीद केंद्र बनाया गया। किसानों और सरकार का फिर से गहराया विवाद, पानीपत में अनाज मंडी के किसानों ने फिर से की हड़ताल, मंडी में अनाज न लाने देने पर अड़े किसान। आर्थिक और किसान के लेन देन का ब्यौरा चाहती है सरकार, इस वजह से नाराज है किसान। हरियाणा के यमुनानगर के जम्मू कॉलोनी में राधा स्वामी सत्संग घर में बने शेल्टर होम में रह रहे प्रवासी मजदूर बेहद दुखी हैं, उन्हें घर की आस सता रही है, किसी की मां तो किसी को अपने बच्चों से दूर रहने का दुख है। रेवाड़ी में आज से नेशनल हाईवे पर मुफ्त का सफर बंद, लॉकडाउन की वजह से 25 मार्च से बंद थे टोल, हर वर्ष अप्रैल में की जाने वाली बढ़ोतरी के बाद अब वाहन चालकों को देना होगा 5% अतिरिक्त टोल। गंगाचा टोल पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 3 लेन में ही चलेंगे वाहन, हर रोज करेंगे बूथ को सैनिटाइज, मुंह पर मास्क, हाथों में ग्लव्स और सैनिटाइज किए जाने के बाद ही दिए जाएंगे नोट।